नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को SIT के सामने पेश होगा। प्रज्वल रेवन्ना की इस बयान पर सबकी निगाहें 31 मई पर टिकी हुई हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को लेकर आखिर क्या कुछ परिणाम सामने आता है, इसका सब इंतजार कर रहे हैं। आइए आपको पूरा मामला क्या है विस्तार से बताते हैं। प्रज्वल रेवन्ना के घर पर काम करने वाली एक महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। जब यह बात आग की तरह फैल गई तो महिला के बयानों को मद्देनजर रखते हुए प्रज्वल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान रेवन्ना के 100 से ज्यादा सेक्स के वीडियो भी सामने आए। यही नहीं, रेवन्ना के पिता और विधायक HD रेवन्ना पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिन्हें 5 मई को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना का पहली बार बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह आने वाले 31 तारीख को यानी 31 मई की सुबह 10 बजे SIT के सामने पेश होंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे। प्रज्वल रेवन्ना का कहना है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है, जिससे वो डिप्रेशन में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि हासन में कुछ ताकतें मेरे खिलाफ काम कर रही हैं, क्योंकि मैं एक राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा हूं। मुझे न्यायपालिका और कानून पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं 31 मई को SIT के सामने पेश होगा। प्रज्वल रेवन्ना के बयान में आगे ये भी कहा है उन्होंने कि 26 अप्रैल को जब चुनाव खत्म हुआ था तो मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं था और ना ही कोई SIT टीम का गठन हुआ था, लेकिन जब मैं किसी काम से विदेश चला गया तो 2 से 3 दिन बाद ही YouTube पर मेरे ऊपर ये आरोप लगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने वकील के जरिए SIT को पत्र लिखा और 7 दिन का वक्त मांगा है। अब देखना यह होगा कि प्रज्वल रेवन्ना के मामले पर आखिर निर्णय क्या कुछ निकल कर आता है। और ये भी बात है कि जहां एक तरफ रेवन्ना ये कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, न्यायालय पर मुझे भरोसा है, तो वहीं रेवन्ना के 100 से ज्यादा सेक्स के वीडियो सामने आए हैं। अब देखना यह होगा कि 31 मई को उस तारीख को SIT के सामने जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि पेश होगा, उस दिन क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन गौर करने वाला मामला यह है कि 100 से ज्यादा सेक्स के वीडियो सामने आए हैं प्रज्वल रेवन्ना के। उसके बाद क्या कैसे वो कह सकते हैं कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रेवन्ना कहीं ना कहीं प्रज्वल रेवन्ना गलत है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि गलत तरीके का वीडियो है। पूरा मामला जाकर वहीं पर रुक जाता है न्यायालय पर, कि न्यायालय उस मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। इस पूरे मामले पर प्रज्वल रेवन्ना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहिए TV24।